अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग अकाउंटिंग के डेप्रिसिएशन चैप्टर पे जो नया क्वेश्चन हमारा चैप्टर को स्टार्ट होगा वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। मेरे पास ये 251 पेज मौजूद है और इसका नाम है, ये इसकी अमाउंट होगी 50,000 की और ये हम लोग फिर करेंगे रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से या रिटर्न ऑन वैल्यू मेथड से। और मैं बताता चलूँगा आपको कि इसके अंदर हम लोग मशीनरी को सेल करेंगे तो जो नई ट्रेनिंग है उसके अंदर ये वाली है। सो लेट्स स्टार्ट। ये हमारे पास आ गया क्वेश्चन नंबर 8 एंड स्टार्टिंग फ्रॉम द सॉल्यूशन। सबसे पहले हमारे पास आ जाएगी कॉस्ट। मैं पढ़ना स्टार्ट करता हूँ, आपके पास मौजूद होगा ये पुरानी बुक के अंदर मौजूद होगा क्वेश्चन और नई के अंदर तो ऑब्वियसली है ही। अ फर्म परचेज अ सेकंड हैंड ट्रक फॉर रुपीज 50,000 ऑन 1st जनवरी 2002। मेरे पास ये 2002 है, आपके पास ये थोड़ा सा नई बुक के अंदर जो है वो ईयर चेंज होगा, बाकी सब चीजें सेम होंगी। 50,000 सेकंड हैंड ट्रक बोला तो याद रखिएगा कि आपने, मैंने ये पिछले ही क्वेश्चन का लिखा रहेगा। यहाँ पे मशीनरी अकाउंट है, मशीनरी अकाउंट नहीं, जिस भी एसेट का ये रिकॉर्ड में या जिस भी एसेट की डेप्रिसिएशन निकालनी होगी उसी का नाम यहाँ दर्ज करना है, वो हमारे पास बनेगा ट्रक अकाउंट। अच्छा तो कहता है ट्रक परचेज किया हमने, अच्छा सेकेंड हैंड ट्रक में लिखना जो होगा वो ट्रक अकाउंट ही लिखना हमने। फर्म ने परचेज किया ट्रक 50,000 का ऑन 1st जनवरी 2002 एंड स्पेंट 20,000 ऑन इट्स ओवरहॉलिंग, प्लस 20,000 तो टोटल इसकी वैल्यू है 70,000 एंड ये हम लोगों ने परचेज किया 1st जनवरी 2002 तो 2002 जनवरी 1। नेक्स्ट कहता कि डेप्रिसिएशन इज टू बी रिटर्न ऑफ एट 10% जो रेट है हमारे पास ऑफ डेप्रिसिएशन वो है 10% पर एनम। मेथड कौन सा है? कहता ऑन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड या रिटर्न ऑन वैल्यू मेथड, चेंज वैल्यू मेथड। तो रिड्यूसिंग बैलेंस चेंज वैल्यू मेथड। नेक्स्ट ऑन 30 जून, अब नई चीज आएगी यहाँ पे, अब अपने गौर से सुनना। कहता ऑन 30 जून 2005, मतलब 2002 के बाद 3 साल चला, 2005 में क्या हुआ कि द ट्रक वाज सोल्ड फॉर ₹30,000। तो ये सेल हो गया कितने का? 30,000 रुपए का। किस तारीख को? जून 30, 2005। साफ देख लिया था, हमें आइडिया हो गया था बिका और किस तारीख को बिका, जून 30, 2005। डेट्स चेंज हो सकती हैं नई बुक के अंदर, आप देख लीजिएगा। प्रिपेयर द ट्रक अकाउंट फ्रॉम 2002 टू 2005, जो टाइम जितने अर्से के लिए अपने बनाना है वो 2002 से 5, मतलब 2, 3, 4, 5, 4 साल का रिकॉर्ड अपने बनाना है। ये बन गया हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास हम स्टार्ट करेंगे वर्किंग, वर्किंग नंबर 1। एक ही मशीनरी है हमारे पास और उसको हम सेल करेंगे इसके अंदर, तो मेथड भी हमारे पास चेंज वाला मेथड और स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास 70,000 की मशीनरी है, याद रखिएगा मशीनरी की कीमत लिखी है 50,000, लेकिन जो उसके ऊपर को भी कॉस्ट आती है उसको खरीदारी करने के बाद वो कॉस्ट उसकी कीमत में शामिल रहती है। मैंने शुरू वाले लेक्चर में बस बयान की थी, इसका रीजन ये होता है कि देखिए अगर कोई आपसे पूछे कि आपने ए सी कितने का खरीदा तो आप उसको ये नहीं बोलेंगे सिर्फ मशीन मैंने ए सी 20,000 या 25,000 खरीदा है, आप उसको सारी कॉस्ट जिसके अंदर उसकी उसको लगवाना तमाम चीजें उसको बिल्कुल एट द एंड चला के देने तक की आप कॉस्ट आप दरमियान डालेंगे और आप कहेंगे मुझे इतने का ये एसी पड़ा, उसकी कॉस्ट मुझे इतने की पड़ी, जिसमें तो आपने बाकी उसकी परचेजिंग प्राइस के साथ साथ जो बाकी है उस पर कॉस्ट सही है उसके लगाने पे लेबर वगैरह उसमें ऐड करते हैं आप लोगों को बयान दिए, इसका मतलब ये कि जो प्राइस होती है आप उसको उसको टोटल जो है वो एज अ कॉस्ट के तौर पर ट्रीट करते हैं। तो यहाँ हम 70,000 से इसको ट्रीट करेंगे। कहता कि 70,000
हम लोगों ने मशीनरी जो थी वो परचेज की, उस पर डेप्रिसिएशन है 10%। तो यहाँ पे फाइंड आउट कर लेते हैं, ये हमारे पास आ जाएगी 10%, तो 70,000। और ये कब से कब तक है जी? 2002 जनवरी टू दिसंबर, 70,000 मल्टीप्लाइड 10 बाई 100 हमारे पास आ जाएगा 7,000। और ये हमारे पास आ जाएगा 7,000 माइनस करते हैं, नेक्स्ट आ गया 63,000। 2003 जनवरी टू दिसंबर इस साल, फिर अब 2002 से 2005 तक कोई चेंज नहीं है, यहाँ पे हर साल जो आने वाला बैलेंस है रिड्यूसिंग बैलेंस है ना, इसलिए चेंज वाला मेथड है। तो अपने हर साल आने वाला जो बैलेंस है उसके ऊपर आपने परसेंटेज लगा के डेप्रिसिएशन को फाइंड आउट करना है। तो 10% हमारे पास आ जाएगा 6300 माइनस 6300 माइनस किया तो 7, 12 से 6 निकाल दें 6, 5, 6, 7, 0 ये आ जाएगा आपके पास 2004। चेंजिंग आएगी इसके अगले साल 2005 में, ये फिर से मिलेगा 5, 6, 7, 0 मल्टीप्लाइड 10 बाई 100। मैं बताता चलूँ अपने नए देखने वालों को जो इस वीडियो को देख रहे हैं कि हम इसमें कर रहे हैं चेंज वाला मेथड डेप्रिसिएशन फाइंड आउट करने का, और चेंज तभी आ सकता है जब आप इस परसेंटेज जो आपने परसेंटेज डेप्रिसिएशन की कमी की लगाई है वो हर आने वाले नए बैलेंस पर लगाएंगे, तो ही ये इसकी अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन चेंज होगी। जो इससे पिछला मेथड था सेम वाला मेथड स्ट्रेट लाइन मेथड, और उसका दूसरे दो दो तीन और नाम थे, उस मेथड के अंदर आप पहली वाली अमाउंट पे डेप्रिसिएशन लगाते हैं परसेंटेज के जरिए या किसी भी फार्मूले के जरिए, और उसी अमाउंट को हर साल रिपीट कर देते हैं कमी के तौर पर। वो था आपका पहले वाला मैथड, यह दूसरा आपका मैथड। तो 5670 हमारे पास इसकी अमाउंट आ जाएगी माइनस 5670 माइनस करते हैं 3 और ये हमारे पास आ गया 0 और 51030। अच्छा जी, अब लास्ट ईयर आ गया 2005 और जनवरी टू इस दफा चला है ये जून तक, जून 30 को ये जाके सेल हो गया। अब आप बहुत समझ जाए और इसमें अब चेंजिंग आनी है, वो कहते हैं कि 51030 मल्टीप्लाई 10 डिवाइड बाई 100, ये 10% तो है सालाना, पर चूंकि मशीन चली ही नहीं है सालाना, मतलब जो ट्रक है वो पूरा साल चला ही नहीं है, वो चला है 6 महीने, तो हम कमी भी 6 महीने के निकालेंगे, वो कैसे मल्टीप्लाई कर देंगे 6 डिवाइड बाई 12 सारे 12 महीने सारे पूरे महीने, और उसमें हमें कितने महीने को चाहिए 6, अगर 9 महीनों चाहिए होगा तो 9 करते, 3 महीनों चाहिए होगा 3 करेंगे, 4 महीनों चाहिए होगा 4/12 करेंगे, 4/12 करेंगे। तो ये आ गए हमारे पास 51030 और 51030 हमारे पास आएगी 10%। इसको अगर आप आधा कर लें तो ये 2551 कहीं पे बन आ जाएगा आपके पास 2551। मैं इसको थोड़ा सा 2 से डिवाइड करके चेक करता हूँ, 2 1 2 आ जाएगा और 2 5 10 2 5 10 2 2 4 ऐसा कुछ ये हमारे पास बनेगा, ये हमारे पास 5 1 0 3 2 2 4 2 5 10 2 5 10 2 1 2 2 5 1 जी हमारे पास इसकी डेप्रिसिएशन आ जाएगी पर आधे साल की। अच्छा ओके, यहां तक हमारा काम हो गया, हमने इसमें से माइनस कर दिया 2551, तो हमारे पास क्या बच गया वो देखते हैं बाद में, हमें यहाँ पे बैलेंस की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये बैलेंस बचा ही नहीं, आपने मशीनरी को आगे बेच दिया इस 2551 की डेप्रिसिएशन आने के बाद। अच्छा अब हम सारे का सारा अपना जो प्रोसेस है उस तरह उतार लेते हैं ताकि अब उससे आप इजी हो जाए, वो तमाम प्रोसेस कंप्लीट हो जाए, फिर हम जो बात है ये वाली इस तारीख जून 30 को जिस टाइम ये इसकी डेप्रिसिएशन थी 2551, जब इसको बेचा तो कितने का बेचा 30 का, इसकी असल वैल्यू क्या थी, तमाम सीधा तब डिस्कस करते हैं। इससे पहले यहाँ तक जो है हम क्वेश्चन के अंदर इसको पहले फाइंड आउट कर लें, स्टार्ट करते हैं।
2002 2002 दिसंबर 31 दिसंबर 31 डेप्रिसिएशन अकाउंट बैलेंस कैरी डाउन और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा जनवरी 1 कैश अकाउंट। याद रखिएगा कि ये कैश अकाउंट और ये डेप्रिसिएशन अकाउंट है, मेरे देखने वाले व्यूअर्स आप ये जान लें कि ये जो एंट्री है, ये जो हमने अमाउंट को पोस्ट किया कैश डेप्रिसिएशन की, हमने जनरल एंट्री के तहत किया है। वो जनरल एंट्री हमने स्वयं की अपने डेप्रिसिएशन के पहले क्वेश्चन में, तो काइंडली हमारे पहले क्वेश्चन की वीडियो देखें और आपको सारी चीज़ें खुद ब खुद क्लियर हो जाएंगी। 70,000 में 7,000 मिला लेंगे, 63,000 आ जाएगा हमारे पास। तो हम भी ये वाला पोर्शन रिकॉर्ड कर रहे हैं। अब नेक्स्ट हम करेंगे ये वाला पोर्शन रिकॉर्ड, तो 63,000 को यहाँ पे शिफ्ट करेंगे, ये आ जाएगा बैलेंस कैरी डाउन। बिल्कुल वैसे जिस तरह आप फर्स्ट ईयर में बैलेंस को कैरी डाउन कर रहे थे, उस तरह हमने कैरी डाउन को सॉरी यहाँ पे ब्रॉड डाउन कर दिया। और यहाँ भी ये बिल्कुल वैसे ही किया जिस तरह आप कैश बुक में पिछले साल करते हैं। दिसंबर 31 दिसंबर 31 2003 डेप्रिसिएशन अकाउंट बैलेंस कैरी डाउन, तो ये हमारे पास 63,000 और 6,300 और उसका बैलेंस बच गया 5,600। यहाँ पे 5,600 बैलेंस ब्रॉड डाउन जनवरी 1 2004 2004। वीडियोस बनाने का भी सबसे बड़ा रीज़न ये है कि ये जो वीडियोस हैं, जो जो भी इससे मुस्तफीद होगा इंशाल्लाह, चूंकि ये एक कार्य खैर है, एक ऐसा कॉन्टिन्यूस चलने वाला काम है कि इसके तहत बहुत सारे लोग मुस्तफीद होंगे। और इसका वीडियो के ज़रिए सीखने का बहुत बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आप जब चाहे इसको पॉज करें, रिवाइंड करें, जो जो चीज़ें मिस हो गई हैं, क्यों वो लिखा गया, ये थी कैलकुलेशन कैसे की, वो सब चीज़ें आपके पास अवेलेबल होती हैं, उसको आप बार बार देख के समझ सकते हैं। अच्छा, जब चाहे आप किसी भी वक्त उसको एक्सेस कर सकते हैं, देख सकते हैं आराम से, अपने टाइम के हिसाब से वीडियो को देख के पढ़ सकते हैं। तो ये वीडियोस के ज़रिए सीखना और सिखाने का अमल एक बेहतरीन ज़रिया है स्टूडेंट्स का, जिसके ज़रिए वो इसको बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। और इसको आगे शेयर कीजिएगा, जिससे ये होगा कि जो स्टूडेंट्स जो डिजर्विंग है और उन तक सही कंटेंट नहीं पहुंच पाता, वो बेहतर तरीके से प्रिपरेशन नहीं कर पाते अपने फाइनल एग्जाम की, तो वो इसके जरिए अपने फाइनल एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकें। अच्छा जी, अब यहाँ तक हम लोग पहुंच गए। ये हमने 2005 वाला वाले रिकॉर्डिंग हम कर रहे हैं। अब मैं यहाँ पे लिखे रह रहा हूँ डेप्रिसिएशन, लेकिन देखिए मैं यहाँ पे इसका ईयर डेट मेंशन नहीं कर रहा, मैं सिर्फ लिख रहा हूँ डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब डेप्रिसिएशन कितनी जाएगी वो लिखी हुई है 2,55,000, ये तो हम लिख लेंगे। मैंने कहा था यहाँ तक हमारा क्वेश्चन एड हो जाएगा, मतलब यहाँ तक हमने क्वेश्चन पूर्ण कर लिया, इसके बाद तो काम थोड़ा सा रह गया। मैंने यहाँ पे इसकी डेट नहीं लिखी। अब डेट क्या आनी है इसकी, देखिए डेप्रिसिएशन जो है हम आमतौर पर साल के एंड पे फाइंड आउट करते हैं, पर अगर आपका एसेट रही ना साल के एंड तक, तो हम यहाँ पे दिसंबर 31 क्यों लिखें। लेकिन आपका एसेट जो है वो आपका सिर्फ रह मतलब मौजूद है आपके पास, ये ट्रक अकाउंट जो है पूरे ट्रक जो आपके पास मौजूद है इस साल से जून 30 तक, तो हम डेप्रिसिएशन फाइंड आउट कर रहे हैं जून 30 तक की। तो यहाँ पे जो डेट आएगी वो आएगी जून 30। तो यहाँ तक आपने जितना वहाँ पे सॉल्व किया था वो कर लिया। अब इसके बाद मैं इसको अब जरा माइनस करता हूँ, माइनस करने पर यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 9। अच्छा जी, वो आ गया 12, 12 में अगर 5 निकालें तो बचेगा हमारे पास 7,
नौ में से पांच निकाले तो बचेगा चार, और जी फिफ्टी में से निकालेंगे दो तो 48479 हमारे एसेट की वैल्यू थी किस तारीख को, जून 30 को हमारे एसेट की वैल्यू थी 48479। अच्छा अब अपने गौर से बात सुनिए, अब क्या हुआ कि जून 30 को, देखिए वही बात कह रहा हूँ, जून 30 2005 जून 30 को जब एसेट को बेचा उसके अंदर से जून 30 तक की जो डेप्रिसिएशन थी वो थी 2551। जब 2551 मैंने डेप्रिसिएशन को निकाल दिया और तो उस दिन जून 30 को एसेट जब बिकने वाला था तो उसकी अपने पास हमने वैल्यू जब चेक की वो थी 48479। अब जरा मैं कैलकुलेशन को साइड पे लिख रहा हूँ, 48479 इसकी कॉस्ट थी, मतलब ये इसकी वैल्यू थी, ठीक है। हमने उस 48479 की 48,000 मशीनरी कितने का बेचा, ये लिखा है यहाँ पे कितने का बेचा हमने, 30,000 रुपए का। तो फायदा हुआ है नुकसान हुआ, ऑब्वियसली नुकसान हुआ क्योंकि 48 से 30 जब 30 में बेच दिया आपने तो देखें कितने का नुकसान हुआ। मैं जरा इसको जरा ना आपस में कंपेयर करके माइनस अगर देखता हूँ तो ये जी हमें नुकसान हुआ अगर माइनस हो तो 18479 का हमें नुकसान हो गया, मतलब 18,400 रुपये का तकरीबन हमें 480 रुपये का हमें नुकसान हो गया क्योंकि 48,000 की चीज़ को आपने बेच दिया 30,000 रुपये का। अब ये जो हमने तीनों कैलकुलेशन की हुई है जैसे प्लस माइनस किया है, तो ये सब माइनस किया आपने इसमें से 48479 तो माइनस होके आए, वो तो माइनस हो रहा है इसको तो छोड़ दें, ये तो मशीन की अपनी वैल्यू है। ये दो जो नई चीजें हैं जो 30,000 है और 30,000 और हम अपने हमने अपनी वैल्यू को कंपेयर करके उसके जो प्रॉफिट लॉस निकाला उन दो चीजों को हमने इसके अंदर प्लेस करना है। अच्छा अब 30,000 रुपया क्या है, 30,000 रुपये हमने उनसे पैसे लिए हैं, मशीनरी को देखे हमने उनसे पैसे लिए हैं, 30,000 रुपये है हमारे पास कैश पैसे, और ये जो 18,000 रुपया ये हमें लॉस हुआ है। तो याद रखिएगा मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में भी ये जो हमारा ओरिजिनल कॉस्ट के अंदर हमने जो प्रॉफिट लॉस वाला क्वेश्चन किया था उसमें बताया था कि खाली लॉस या खाली प्रॉफिट अकाउंट का कोई नाम नहीं होता, हमारा अकाउंट का नाम मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो यहाँ हम लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एक हमारे पास कैश और एक आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब हमने इन दोनों को यहाँ प्लेस करना है और क्वेश्चन हमारा एंड हो जाएगा। पहले कैश को प्लेस करते हैं, कैसे प्लेस करें आप जानते हैं, जैसा मैंने इसको और इसको प्लेस किया था डेप्रिसिएशन और कैश को, तो मैंने बताया था कि ये एंट्री के जरिए हमने प्लेस किया, अब हम इसकी भी एंट्री करेंगे यहाँ पे जिसके मदद से हम इसको यहाँ प्लेस करेंगे। पहले हम कैश की एंट्री करते हैं। अच्छा इसकी एंट्री हम लिखेंगे इसकी इसकी ट्रांजेक्शन क्या बनेगी, इस ट्रांजेक्शन होगी कि ट्रक sold for rupees 30,000, ये जो यहाँ 30,000 लिखा है ना इसके इसमें ट्रांजेक्शन ये है। दूसरा यहाँ लिखेंगे लॉस अकर्ड ऑन सेल ऑफ ट्रक रुपीज 18479, ये दो आपकी ट्रांजेक्शन है जिनकी हमें जर्नल एंट्री करनी है, जिन्होंने सादा इतफाक में यहाँ बयान कर दिया, मैंने उसकी तरह ट्रांजेक्शन बना दी है ताकि आपको एंट्री करने में आसानी हो। मैं जरा पहली बारी की एंट्री करता हूँ क्योंकि ये आपने बड़ी दफ़ा की होगी, ट्रक बेचना मशीनरी बेचना फर्नीचर बेचना, तो हम इसकी एंट्री करते हैं। एंट्री मैं करने जा रहा हूँ जी, तो एंट्री हम यहाँ पर कर लें, मैं थोड़ा सा इसको मिटाऊँगा ताकि आपको ये दो एंट्रीज यहाँ पर, पहले ट्रक की एंट्री करते हैं। ट्रक सेल हो रहा है, जब हम सेल करेंगे तो ट्रक हमारा एसेट है हमारे पास से जाएगा, डिक्रीज होगा तो क्रेडिट हो जाएगा, और बदले हमारे पास ट्रक बेचा है तो बदले में वो फ्री तो नहीं बेचा होगा, बदले में उधार भी नहीं बेचा होगा, बदले में कैश तो आया होगा, तो हम लोगों ने यहाँ पे बदले में कैश आया, कैश एसेट है वो आया, इंक्रीज हुआ डेबिट हो गया, बदले में ट्रक हमारे पास चला गया वो भी हमारा एसेट था पर वो डिक्रीज हुआ तो क्रेडिट हो गया। कितने पैसे आए, 30,000 जी, 30,000 हमारे पास यहाँ पे आ गया, 30,000 हमारे पास यहाँ पे आ गया। तो पहली एंट्री तो जी आपने कर ली। दूसरी एंट्री में वो कह रहा है कि आपने आपको लॉस हुआ है, मैं लॉस की बात बाद में करता हूँ, सबसे पहले मैं कहता हूँ लॉस हुआ किस चीज के ऊपर है, सॉरी लॉस की बात में मतलब ऐसे करता हूँ कि आप प्रॉफिट एंड लॉस में हमें लॉस हुआ, तो देखो लॉस को मैं आमतौर स्टूडेंट्स को कहता हूँ लॉस को आप ट्रीट करें एज एन एक्सपेंस,
लॉस देन आर द एक्सपेंस होना और इन और प्रॉफिटेबिलिटी अगर इनकम. अब आमतौर पर जब भी आपको एक्सपेंस होता है कमीशन सैलरी रेंट तो एक्सपेंस जब भी इंक्रीज होता है तो डेबिट होता है. ठीक है, रेंट डेबिट होता है, कमीशन डेबिट होता है, सैलरी डेबिट होती है. तो जब आपका लॉस एक एक्सपेंस है तो उसके हिसाब से एक्सपेंस डेबिट होता है तो लॉस भी डेबिट होना चाहिए. अब लॉस को तो लॉस तो कोई नाम नहीं है अकाउंट का, अकाउंट का नाम तो है प्रॉफिट एंड लॉस. तो वो आपका लॉस है, एक्सपेंस है, इंक्रीज करेगा तो डेबिट हो जाएगा. कितने का लॉस हुआ जी? 1847 का. तो हमने भी हमें 48,000 मशीनरी थी 30 की बेच दी, कितने नुकसान हुआ? 18,000 नुकसान हुआ. 1847 का आपको लॉस हो गया. अच्छा, लॉस होने पे क्या चला गया आपके पास से? भाई ट्रक चला गया हमारे पास से, तो ट्रक एक एसेट है, वो चला गया, डिक्रीज हुआ तो क्रेडिट हो गया 1847. अब ये है वो दो एंट्रीज. अच्छा, मैंने एंट्री क्यों की यहाँ पे, मतलब ये बाकी में एंट्री में क्यों नहीं कर रहा, मैं खास इन दो की एंट्री क्यों कर रहा हूँ? याद रखिएगा यहाँ पे हम ये जो चीज़ों को बार बार रिपीट कर रहे हैं इनको हम पहली दफ़ा इस इन दो अकाउंट्स में पहली दफ़ा जो हमने इनको एंटर किया था लेजर में इस इन दोनों की सूरत में तो हमने इसकी एंट्री कर ली थी. अब हम जब इसके बाद चीज़ों को रिपीट करें तो बैलेंस असल में ट्रक का ही बैलेंस है. ठीक है, उसके बाद ये बैलेंस आया, ये इसका ताल्लुक इससे ही है. तो ये वही चीज है, कोई नई चीज एंटर नहीं हुई, उसी चीज को बार बार रिपीट कर रहे हैं, इसलिए हमें दोबारा एंट्री को करने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि वही एंट्री आपकी बार बार रिपीट होती है. डेप्रिसिएशन को इसे ये होगा, इधर भी डेबिट आपका डेबिट हो रहा है, डेप्रिसिएशन और ट्रक क्रेडिट हो रहा है, इधर भी इसलिए रिपीट करने की जरूरत नहीं पड़ी. अब ये कुछ नई चीजें आपके पास दो आ रही है, इसलिए हमें एंट्री करके इसको दोबारा से इसमें प्लेस करना है. अच्छा, इसमें एंट्री कर रही हूँ प्लेस करना है, इसमें एक लेजर है, लेजर से पहले आपने हमेशा एंट्री की है, एंट्री करके आप चीज को इसमें डाला है, तो इसी तरह यहाँ पे हम एंट्री करेंगे. अच्छा, आमतौर पर हम जब लेजर बनाते थे तो लेजर मुख्तलिफ तरह के थे, तो मुख्तलिफ तरह के लेजर में हम उसकी अपनी अपनी ट्रांजेक्शन प्लेस करते थे. अब यहाँ मुख्तलिफ तरह ट्रांजेक्शन सॉरी लेजर नहीं है, सिर्फ एक ही लेजर ट्रक का, सिर्फ आपने ट्रक के हिसाब से ट्रांजेक्शन करनी है, कैश के हिसाब से ट्रांजेक्शन नहीं करनी. जब कैश के लेजर हम चीज को प्लेस नहीं कर रहे हैं, ट्रक के लेजर में प्लेस कर रहे हैं. तो हम पहले ट्रांजेक्शन को ट्रक के लेजर में प्लेस करते हैं. ट्रक क्रेडिट हो रहा है 30,000 से, ये ट्रक है ये क्रेडिट हो रहा है यहाँ पे 30,000 से 30,000 से क्रेडिट हो रहा है. और ट्रक के ऑपोजिट पे क्या है और किसकी मतलब किसकी वजह से ऑपोजिट पे कैश अकाउंट, तो कैश अकाउंट की वजह से यह कैश अकाउंट इसके ऑपोजिट पे आ रहा है 30,000 रुपया. किस तारीख को भाई? जिस तारीख को आपने बेचा इस तारीख को, जून 30. तो यहाँ पे आ जाएगा जून 30. नेक्स्ट एक एंट्री तो हो गई, दूसरी एंट्री को आप सारे स्टूडेंट से पूछेंगे कि सर ये कैश की ट्रांजेक्शन को लेजर में क्यों नहीं प्लेस किया? क्योंकि कैश का लेजर बना ही नहीं रहे, हम सिर्फ ट्रक का लेजर बनाते हैं. अगर हमने जिस तरह जनरल लेजर ट्रायल्स में सबके लेजर बनाए थे तो अगर हमें बनाने होते तो हम फिर सबको प्लेस करते हैं. अब हमें सिर्फ ट्रक की ट्रांजेक्शन को प्लेस करना है. इधर भी हम प्रॉफिट लॉस की ट्रांजेक्शन का लेजर नहीं बना रहे, हम ट्रक के हिसाब से देखेंगे उसको, ट्रक के लेजर के हिसाब से. ट्रक क्रेडिट हो रहा है 1847 ट्रक क्रेडिट हो रहा है 1847. ऑपोजिट पे क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. किस तारीख को प्रॉफिट लॉस हुआ? भाई जिस तारीख को ट्रक बेचा उस तारीख को पैसे आए, तो जो पैसे आए और जिन्हें ट्रक था जिन्होंने रिपेयर उसी दिन किया तो पता चल गया भाई प्रॉफिट हो रहा है या फिर लॉस हो रहा है. तो ये भी आपकी तारीख जो होगी वो आएगी जून 30. अब आपने इसके अलावा और कोई काम नहीं किया तो इसका मतलब ये कि आप इसको एंड करेंगे. अब जरा देखते हैं जी, टोटल करते हैं इसको. ये साइड बड़ी है 51030, हमेशा बड़ी होती है, मैं उसी हिसाब से यहाँ लिख देता हूँ 51030. अब जरा इनको टोटल करते हैं, ये अगर टोटल हो तो 9,30,48,48479 मतलब यहाँ बनेगा 48479 और ये 2551, ये दोनों मिलके हो गए 48479 और 2551 को इसमें ऐड करते हैं 2151. अब आप देखिएगा एक डिफरेंट हम पर्सपेक्टिव चेक करेंगे इस क्वेश्चन का. 9 1 10 और 7 8 8 5 13 और 13 में से कैरी के तो 5 5 10 0 8 9 10 11 और ये जरा देखें गौर से तो हमारे पास अमाउंट क्या आ रही है इस साइड पे. इसको तीनों को टोटल करके हमारे पास अमाउंट आ रही है 51030, बिल्कुल यही अमाउंट जो यहाँ पे आपके पास अवेलेबल है.
अब सर ये क्या इस क्वेश्चन में ये क्या खास फर्क है, हमें बैलेंस कैरी डाउन क्यों नहीं आ रहा है, दोनों साइडें बराबर आ रही है। तो मैंने इसमें से जब तीनों को माइनस किया तो जीरो बचा, क्योंकि ये भी तीनों मिला के बन रही है 51030 और ये साइड भी है 51030। जब आप 51030 में से 51030 को माइनस कर देंगे, क्योंकि तीनों का टोटल 51030 आ रहा है, तो आपके पास बैलेंस जीरो बचेगा। अब जीरो बैलेंस को लिखते नहीं है आप यहाँ पे, तो बैलेंस सीडी को लिखेंगे नहीं। अब ऐसा क्यों है, बैलेंस सीडी हमारे पास बचा क्यों नहीं, क्योंकि हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ बच जाता है। भाई हम बना क्या रहे हैं, किसका अकाउंट, ट्रक का अकाउंट या मशीनरी का अकाउंट। तो जब मशीनरी हमारे पास आमतौर पर जितने पहले क्वेश्चन किए थे उसमें हमारे पास यहाँ पे दो मशीनरियाँ मौजूद थी, तो एक जब बिक जाती थी तो दूसरी का यहाँ बैलेंस मौजूद था। पर जब ट्रक एक ही है, वही ट्रक मौजूद था 51030 का, उस पर इतनी कमी आई और उसके बाद ट्रक को हमने बेच दिया, तो हम क्या बोले, हमारे पास ट्रक कितना बचा, कुछ भी नहीं, जीरो ट्रक, क्योंकि ट्रक तो जा चुका है हमारे पास से। तो इसलिए यहाँ पे हमारे पास कोई भी बैलेंस सीडी की अमाउंट मौजूद नहीं है। तो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 8। ये 251 पेज MRS में रिजल्ट प्रिंसिपल अकाउंटिंग की बुक में, इंशाल्लाह मुलाकात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। होप पीपल हैव अंडरस्टूड ऑल दीज थिंग्स। अगर कुछ ही समझ ना लगे तो आप काइंडली इनको, इन वीडियोस को आराम से दोबारा से रिपीट करके भी देख सकते हैं जहाँ जहाँ प्रॉब्लम आए, और इंशाल्लाह मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जाने से पहले काइंडली तमाम वीडियोस को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।